क्या आपको रेस्टोरेंट जैसी बिरयानी घर पे खानी है तो चलिए बनाते हैं लजीज दम बिरयानी यूजिंग ऑप्शन मसाला। एक कप बासमती चावल को अच्छे से वॉश कर लीजिए और चावल को अच्छे से भिगो लीजिए। पोटैटो की स्किन निकाल के इस तरह से कट कर लीजिए। आप अपने पसंद के कोई भी वेजेस डाल सकते हो। कैरेट को छील के कट कर लीजिए, फिर इसे इस तरह से छोटे छोटे पीस में चॉप कर लीजिए और साथ में फ्रेंच बीन्स को भी इस तरह से चॉप कर लीजिए। कैप्सिकम को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। वेज बिरयानी में वेजिटेबल के बड़े बड़े टुकड़े ही टेस्टी लगते हैं। ऑनियन को भी क्यूब में कट कर लीजिए। सारे वेजीज कट हो जाने के बाद हम उसे मैरिनेट करेंगे। उसके लिए बॉल में दही, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, कसूरी मेथी, 2 चम्मच ऑप्शन बिरयानी मसाला, कोरिएंडर, जिंजर चिली पेस्ट और लेमन जूस डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब उसमें सारे वेजीज डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 15 मिनट के लिए रेस्ट करने दीजिए। मैरिनेट करने से वेजीज का टेस्ट और भी अच्छा आता है। राइस में फ्लेवर लाने के लिए तेज पत्ता, जावेंत्री, तज और लौंग को एक टोकरी में बंद कर दीजिए। राइस को बॉईल करते वक्त ये टोकरी उसमें डाल दीजिए। अगर आपके पास ये टोकरी ना हो तो आप खड़े मसाले डायरेक्ट राइस में भी डाल सकते हैं। और राइस को 80% कुक कर लीजिए और उसके ऊपर 2 ग्लास ठंडा पानी ऐड कीजिए। स्लाइस ऑनियन में सॉल्ट डाल के उसका पानी निकाल लीजिए। फिर ऑनियन को गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लीजिए। वहीं ऑनियन वाले तेल में जीरा, तेजपत्ता, लौंग, तज और मैरिनेट किया हुआ वेजिस डाल के 90% तक कुक कर लीजिए। आप देख सकते हो वेजिस ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं। अब एक कटोरी दूध में थोड़ा सा केसर डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर कुकर या हांडी पे नीचे घी स्प्रेड करके ऊपर वेजीज की लेयर बना लीजिए। पहली लेयर हमेशा वेजीज की होनी चाहिए। वेजीज के ऊपर राइस की लेयर बना लीजिए। फिर उसके ऊपर क्रिस्पी फ्राइड ऑनियन स्प्रेड कर दीजिए। पुदीना, काजू और केसर वाला दूध ऐड कर दीजिए। फिर से यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। बिरयानी बनाने के लिए मैंने जो ऑप्शन मसाला यूज़ किया था वो एकदम ही नेचुरल है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। ऑप्शन के सारे मसाले नीचे दी गई हुई लिंक से बाय कर सकते हो या अमेज़न पे भी बाय कर सकते हो। बिरयानी पूरी लेयर हो चुकी है। अब हम उसमें स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए कोल को गर्म करके इस तरह से बिरयानी के पर रख देंगे और स्लो गैस पे 10 मिनट के लिए कुक होने देंगे। तो आप देख सकते हो होटल जैसी खिली खिली बिरयानी रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टा पर फॉलो कीजिए। थैंक यू।